स्वागत है आप सभी का स्वर में टाइम्स में दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नक्सली और जवानों के बीच हुई मुठभेड़, नक्सली भागे। आज आएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। राज्य स्तरीय अंडर 19 जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सल खात्मे को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है और विकास के चलते अब नक्सली भी सीमा से दूर भागने लगे हैं। इस सिलसिले में कल बस्तर क्षेत्र के कांकेर में नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें नक्सली मान छोड़कर भाग निकले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्चिंग पर निकले जवानों ने मान को ध्वस्त करते हुए सामग्री जब्त की है। कैंप को मिटा देने के बाद यह पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से DRG के जवानों ने नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया है और भारी मात्रा में नक्सली सामग्री मिली है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। देश का अगला उपराष्ट्रपति चुनने के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती होगी और चुनाव नतीजों का ऐलान भी आज ही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA के जगदीप धनखड़ और विपक्षी के मारवेट अलवा को उम्मीदवार बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे ये तस्वीर भी आज साफ हो जाएगी। आज सुबह 10 बजे संसद को वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाल दिया है और मतदान के लिए सांसदों की लंबी कतार लगी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 788 वोटर हैं और जीत के लिए 394 वोटों की जरूरत है। चुनाव के नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। सुकमा जिले के स्वर्गीय कवासी हरमा इंडोर स्टेडियम में 21वीं राज्य स्तरीय जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन 5 दिवसों तक किया गया था, जिसमें दुर्ग, जगदलपुर, बीजापुर, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, रायगढ़, बिलासपुर तथा अन्य जिलों में खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का जौहर दिखाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 अगस्त से शुरू हुई इस प्रतिस्पर्धा में लगभग 120 खिलाड़ियों ने बैडमिंटन खेला और आज इस प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए सभी खिलाड़ियों और उनके परिजनों ने कहा कि सुकमा जिला वैसा नहीं है जैसा हमने कल्पना की। यह जिला बहुत ही सुंदर और विकासशील है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम यह 5 दिन सदैव याद रखेंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि युवा देश के भविष्य हैं। पढ़ने लिखने के साथ ही इन्हें खेल में प्रोत्साहन करना जरूरी है और विभिन्न प्रकार के खेलों में युवा न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनते हैं। उन्होंने अन्य जिले में आए खिलाड़ियों को खूब बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, सुकमा जिला बैडमिंटन एसोसिएशन एवं सुकमा नगर पालिका के अध्यक्ष जगन्नाथ साहू, कलेक्टर हरीश S और पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा वहां उपस्थित रहे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।